संतरा आप जानते हैं, विष्णु शर्मा का एक कहानी संकलन है प्राचीन काल का। उसमें कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें नॉर्मल लाइफ के बारे में, सामान्य जीवन के बारे में एक लेसन देती हैं, सीख देती हैं। उसमें एक कहानी का नाम था, अगर मुझे ध्यान है, मैं स्कूल में पढ़ता था, उसका नाम था पंडित की बकरी। कि एक बार एक आदमी एक छोटा सा बछड़ा खरीद के जा रहा था, सुंदर सा, और तीन चार चोरों की नजर पड़ी। उनका मन हुआ कि काश ये बछड़ा हमें मिल जाए, सस्ता मिल जाए, आधे दाम पे या उससे कम पे मिल जाए, तो क्या करें। तो उन्होंने साजिश की, बारी बारी वो उस व्यक्ति से रास्ते में मिले। पहले एक व्यक्ति मिले एकदम सीरियस चेहरा बना के, उसने कहा, अरे पंडित जी, बकरी कितने के लिए? पंडित जी ने कहा, यार ये तो बछड़ा है, बकरी थोड़ा है। तो वो बड़े अच्छे से हंसा, उसने कहा, बछड़ा है, अच्छा, इतना कह के मुस्कुराते हुए निकल गया वहां से। पंडित जी को लगा अजीब गधा आदमी है, फिर देखा है तो बछड़ा ही। उसका उतना ही काम था, किया और निकल गया। अब वो आगे चल रहे हैं, करीब 100-200 मीटर के बाद एक दूसरा आदमी अलग जगह से आया। इनके बीच में आपस में साढ़े बैठे, इनको नहीं पता है। दूसरा आदमी आया और आते बोला, वाह पंडित जी, कितनी मोटी बकरी है, एकदम बछड़ा लग रही है देखने में तो। अब इसको लगा कि ये तो मामला फंस गया। ध्यान से देखा, बोला, नहीं यार, मैं तो बछड़ा ही लाया हूं। बोला, वही तो मैं कह रहा हूं, देखने में लग रहा है एकदम, लेकिन है मोटी बकरी। ये कह के वो भी निकल गया। फिर 1 किलोमीटर बाद तीसरा मिला और उसने कहा, पंडित जी बस ऐसी ही बकरी चाहिए मुझे भी, कहां मिलेगी ऐसी बकरी। उसने कहा, फिर पंडित ने फिर थोड़ा धमकाते हुए कहा कि यार ये बछड़ा है भाई, लेकिन अब वो दबाव कम बना रहा था, वो खुद दबाव में था। तो वो भी ठाका मार के ऐसा बोला, बछड़ा ऐसा होता है, अच्छा, ये करके चला गया। और फिर चौथा आदमी जो असली था, उनका मास्टर माइंड, चीफ कॉन्स्पिरेटर, फिर वो आया पैसे गिनते हुए। उसने कहा, अरे अरे अरे, ऐसा ही बकरा चाहिए, ऐसी बकरी चाहिए, कितने की मिलेगी, कितने की मिलेगी। तो पंडित जी को लगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तो बकरी खरीद के लिए आया बछड़े के नाम पे या बछिया के नाम पे। फिर लगा, घर जाऊंगा, घर पे पिटूंगा, इससे अच्छे नुकसान कम कर लेता हूं। तो अज्यूम कीजिए कि उस जमाने में 100 रुपए के आसपास का लिया था, तो उन्होंने बताया कि मैंने 100 का लिया है, प्लस 100 का, बकरी तो 20 रुपए की आ जाती है, लेकिन इतनी तंदुरुस्त है, अगर आप चाहें तो मैं इसके बदले आपको 40 रुपए दे सकता हूं। पर पंडित जी को लगा कि यार चलो 60 का नुकसान सही, कम से कम 80 का तो नहीं होगा, और 40 का उसको दिया और खुश होकर घर लौटे कि बच गया आज तो। अब ये जो पंचतंत्र की कहानी है, ये इसलिए है कि जब हम जीवन में निर्णय करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऊटपटांग से इनपुट्स आते हैं, और यदि आप बहुत समझदार इंसान नहीं है तो इस बात का पूरा खतरा है कि कोई ना कोई कभी ना कभी आपको बेवकूफ बना ही देगा।